मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी मिक्स दाल वड़े, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा, खाना मनपसंद में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ मिक्स दाल के वड़े रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने तीन अलग अलग दालें ली हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है चने की दाल, एक कप चने की दाल है, आधा कप यहाँ पर धुली उड़द यानी कि सफ़ेद वाली जो दाल होती है वो है, और यहाँ पर है ये धुली मूँग की दाल। इस तरह से हम तीनों दालों को मिला करके भले बनाएंगे, जो कि टेस्टी तो बनेंगे ही, साथ ही साथ इनका टेक्सचर भी थोड़ा अलग होगा। आइए भले बनाना शुरू करते हैं। इनको हम एक साथ भिगो लेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक कप चने की दाल लेंगे, आधा कप धुली उड़द की दाल है, आधा कप धुली मूंग की दाल ली है। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए, इनको अच्छे से मिक्स करके इनको तीन से चार बार पानी से अच्छे से धो करके दो से चार घंटे के लिए सोक कर देंगे। दाल को अच्छे से धो करके भिगो लिया है यहाँ पर मैंने। अब हम इसे दो से चार घंटे के लिए इसी तरह भीगा रहने देंगे, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। दाल बहुत अच्छे से भीग करके रेडी है। आप यहाँ पर चने की दाल चेक कर लीजिए, अगर चने की दाल बिल्कुल अच्छे से टूट रही है तो इसका मतलब सारी दालें भीग चुकी हैं, क्योंकि चने की दाल को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है भीगने में। तो हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे पहले। तो अब हम इस दाल को दो बार में पीस लेंगे। सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे। तो दाल वड़ों के लिए हम यहाँ पर दाल को पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो चम्मच दाल अलग से भिगो करके रखी थी, चने की दाल है ये, तो इसमें सिर्फ दो चम्मच पानी डालूंगी। बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें बिल्कुल सूखी सूखी दरदरी सी दाल चाहिए वड़ों के लिए। तो इसको पीस लेंगे। ये देखिए, दाल बिल्कुल अच्छे से पीस चुकी है, इतनी ही दरदरी चाहिए हमें। तो इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए, सेम जार में मैं ये भीगी हुई चने की दाल डाल रही हूँ, और इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे, इसको भी दरदरा पीसना है हमें। देखिए, बिल्कुल कुछ इस तरह का दरदरा सा दाल का टेक्सचर होना चाहिए। ये देखिए, तो ये देखिए, फ्राई करते हुए जब ये दाल क्रिस्पी हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हमने इसे अलग से क्रश किया है। और आपको यहाँ पर दाल के बिल्कुल मोटे मोटे दाने दिखाई देंगे, ये देखिए कुछ इस तरह के। तो इसको भी हम उसी दाल में मिक्स कर देंगे। अब हम ये जो दरदरी उठी चने की दाल है और दूसरी दाल को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन्हें फेंटेंगे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। इस तरह से हाथ से फेंटना है इन्हें, ताकि जो भी हम दाल वड़े बना रहे हैं वो काफ़ी फुले बने और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हों। तो देखिए, इस तरह अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसे लगातार चलाते हुए फेंट लूँगी। कलर काफ़ी लाइट हो जाएगा और फेंटने के बाद, तो इसको हम अच्छे से फेंटेंगे। तो ये देखिए, दाल का कलर कितना लाइट हो गया है फेंटने के बाद, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही वाइट सा दिख रहा है। तो इसे चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पानी की कटोरी ले ली है, इसमें हम ये बैटर डाल करके चेक करेंगे। ये देखिए, बहुत ही छोटा सा हम एक ड्रॉप बना करके डालेंगे। आप देख सकते हैं ड्रॉप किस तरीके से तैर रहा है, बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठा है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से फ्लोट करे, तो इसका मतलब बिल्कुल रेडी है ये। ध्यान रखिए कि 5 से 7 मिनट के लिए फेंटना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जो वड़े आप बना रहे हैं वो बिल्कुल फूले फूले बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। और इसके लिए एक मसाला रेडी करेंगे। तो मसाला बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया, एक चम्मच साबुत ज़ीरा, दो चुटकी हींग, दो से तीन सूखी हुई लाल मिर्च, इनको हल्का सा तोड़ करके डाल देंगे ताकि इजीली क्रश हो जाएं। तो अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ मसाले को दरदरा पीस लिया है। सेम जार में दो हरी मिर्च और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल करके पीस लेंगे। तो अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बन करके रेडी है, मिक्सचर रेडी करेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, आधा टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक। तो ये जो हमने मसाला रेडी किया था, इसमें से मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। इसी के साथ ये अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे धनिया वाला मसाला थोड़ा कम लग रहा था, तो बचा हुआ भी ऐड कर दूंगी।
वड़ों का बैटर रेडी है, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है, मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे हम। यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके वड़े डाल देंगे। कुछ चेक करने के लिए हम इसमें बहुत ही थोड़ा सा बैटर डाल करके चेक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गर्म है जो ऑयल है। तो वड़े बनाने के लिए उंगलियां गीली कर ली हैं मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसके बाद इस तरह से बैटर लेंगे, थोड़ा किसी इस तरह तोड़ते जाएं। तो मैं यहाँ पर वड़े बनाऊंगी। देखिए बैटर लिया है मैंने यहाँ, और इसको अंगूठे की मदद से इस तरह से हम ऑयल में छोड़ देंगे। इस तरह मैं सभी वड़े जो हैं वो बना लूंगी। अगर आपने ये मिक्स दाल के वड़े बना लिए तो आप मूंग दाल के जो राम लड्डू होते हैं वो भी भूल जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप फ्राई करेंगे आप देखेंगे कुछ कुछ वड़े खुद ही पलटने लगेंगे, क्योंकि अच्छे से इनमें हवा भरी हुई है। तो इनको बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे। लगभग 8 से 10 मिनट का समय लगेगा एक बैच को फ्राई करने में। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया गोल्डन सा कलर आने लगा है इन पर। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी और गोल्डन दिख रहे हैं। तो इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे, तो कलर देख सकते हैं आप। ये देखिए हम चटनी की तैयारी कर लेंगे। चटनी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 60-70 ग्राम धनिया, साथ ही में लगभग 30 से 40 ग्राम पुदीना। पुदीना आधी क्वांटिटी में लेना है धनिए से। 4 हरी मिर्च ली हैं क्योंकि चटनी काफी करारी बनने वाली है। 6 से 8 लहसुन की कलियां हैं, आप चाहें तो लहसुन अवॉइड कर सकते हैं। साथ में 1 बड़े नींबू का रस। तो मिक्सी के जार में सबसे पहले मैं यहाँ पर पुदीना डाल रही हूँ, साथ ही में धनिया, 4 हरी मिर्ची, लहसुन की कलियां, 1 बड़े नींबू का रस। अब हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून काला नमक। 1/4 टीस्पून से भी कम यहाँ पर मैंने जो प्लेन सॉल्ट होता है सेंधा नमक वो लिया है। यहाँ पर है 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1/2 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला ऐड करूंगी मैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 2 टेबलस्पून, और इसको पीस लेंगे। ये चटनी पीस करके रेडी है, बिल्कुल स्पाइसी चटनी। आप चाहें तो इसमें दही ऐड कर सकते हैं। तो चटनी भी रेडी है, मिक्स वड़े भी रेडी हैं, तो हम चटनी को सर्व कर लेंगे। ये है मीठी चटनी जो कि हमने ऑलरेडी पहले से बना करके रखी हुई है, तो मैं आपको इन्हें सर्व करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी मिक्स दाल वड़े जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इन्हें मार्केट स्टाइल में सर्व करने के लिए सबसे पहले एक हम दोना लेंगे और इस पर डालेंगे हरी चटनी, थोड़ी सी मीठी चटनी ड्रिजल कर देंगे। ऊपर से एक जो बड़ा है उसको हम क्रश करके डालेंगे। इस पर 1 बड़ा चम्मच हरी चटनी भर करके, बिल्कुल मार्केट जैसी प्लेट लग करके रेडी है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय।